अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, टेस्टी फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बना के दिखाएंगे परवल का एक मज़ेदार रेसिपी जो बंगाल में बहुत ही फेमस है। बंगाल में इसे पोटोलेर दोलमा कहते हैं। आज हम आपको इसका रेसिपी दिखाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने पहले बहुत सारा परवल का अंदर का बीज और छिलका निकाल के रख दिए हैं। इसका जो ऊपर का हिस्सा है उसे भी मैं काट के छील के साइड में रख दिए हूँ। इसको लास्ट में यूज़ करना है हमें। और उसका परवल का जो अंदर का दाना था उसको भी निकाल के साइड में रख दी हूँ। इसका भी हम लोग को पेस्ट बनाना है। अभी मैं आपको एक परवल का बीज निकाल के दिखाऊंगी। इसको निकालने के लिए आप कोई भी एक चम्मच का पीछे का हिस्सा से पहले इसके ऊपर गोल से घुमा ले, गोल करके। उसके बाद दाना जो अंदर का जो दाना है वो आसानी से निकल जाती है। और आप यहाँ पर छुरी का इस्तेमाल ना कीजिए तो ही बेहतर है, क्योंकि छुरी से परवल का साइड का हिस्सा कट जा सकती है। तो बेहतर होगा आप चम्मच से ही दाना निकालिए, चम्मच से भी इसका आसानी से दाना निकल जाती है। देखिए मेरा दाना जो है अच्छे से ही आसानी से ही निकल जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देखिए अच्छे तरीके से दाना सब निकल के रेडी हो चुका है। अभी मैं बाकी का इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। इसको बनाने के लिए पहले लगेगा हाफ कप दही, जिसको मैंने फेंट के रखे हैं। एक बड़ा साइज का प्याज जिसको मैंने मिक्सी में पेस्ट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर और तीन हरी मिर्च का पेस्ट, सरसों और जीरा का पेस्ट, पनीर जिसको हाथों से मैंने तोड़ लिया है, एक टीस्पून रेड चिली, हल्दी, स्वादानुसार नमक और लहसुन का दाना और तेल। अभी हमें जो दाना है परवल का उसका पेस्ट बनाना होगा। तो यहाँ पर मेरा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। अभी एक पैन लेके उसमें ऑयल मैं हीट करने दी हूँ। इसमें पनीर और परवल के दाने का पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई करना होगा। तेल मेरा हीट हो रहा है अभी। अभी इसमें पहले पनीर डाल दूंगी, उसके बाद परवल का पेस्ट डाल दूंगी। अभी इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हमें फ्राई करते रहना है, जब तक ना पेस्ट का जो अंदर में जो पानी है वो पूरी तरीके से सूख जाता है, तब तक हमें फ्राई करना होगा। गाइस, अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो मेरे चैनल में नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इसको चलाते रहना है, नहीं तो नीचे यहाँ जल जाएगा। इसको एकदम भी छोड़ना नहीं है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी ऐड कर रही हूँ, एक चुटकी। फिर मैं नमक स्वादानुसार ऐड कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा नहीं नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा ही नमक ऐड करेंगे। और इसको चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। मेरा जो ये फ्राई जो है वो रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस, यहाँ पर मैं एक तेल डालूँगी थोड़ा सा। उसमें सारा जो परवल है वो फ्राई कर लूँगी, हल्का फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी, जस्ट
2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी मीडियम फ्लेम में। मैं एक एक करके सारा परवल इसमें छोड़ रही हूँ कढ़ाई में और धीरे धीरे सभी परवल को फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना है। मेरा सारा परवल फ्राई हो गया है, अभी इसको ठंडा करेंगे। परवल को भी ठंडा करना है वो, और पनीर और दाने का जो मिक्सचर है उसको भी फ्राई करना है। अभी हम इसमें जो स्टफिंग हम लोगों ने बनाया है उसको डालेंगे परवल के अंदर। तो मैं यहाँ पर हाथों से ही डाल रही हूँ स्टफिंग, आप चाहे तो चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। एक रेडी हो गया है, ऐसे तरीके से सबको मैं सबके अंदर स्टफिंग भर दूंगी। अभी जो इस परवल का जो ऊपर का जो हिस्सा मैंने काट के रखे हैं उसको परवल के मुंह में टूथपिक से बंद कर देंगे। एक करके मैं दिखा रही हूँ आपको, ऐसे एक ऊपर का हिस्सा लेना है उसको, उसमें टूथपिक अच्छे से लगाना है, फिर परवल के मुंह में उसको बंद कर देना है। ऐसा कर रही हूँ ताकि मेरा अंदर का जो मसाला है वो बाहर ना निकल जाए। ऐसे करके मैं सारा परवल को बंद कर दिए हैं। अभी नेक्स्ट प्रोसेस, कढ़ाई में तेल दे दिया है, उसके बाद प्याज का पेस्ट डाल रही हूँ। उसको 30 सेकंड के लिए फ्राई करूँगी। देन लहसुन का जो दाना था वो ऐड कर दूंगी। अब टमाटर और हरी मिर्च का जो पेस्ट था वो डाल दूंगी। फिर सभी को अच्छे तरीके से मिला लूँगी। अब मैं जीरा और सरसों का पेस्ट डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून ये पेस्ट डाली है। फिर से सभी को मिला लूँगी। सारा मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब इसको 1 मिनट भून लूंगी। पानी ऐड करके इसको भून लूंगी 1 मिनट। अब इसमें दही डाल दूंगी।
फिर से सभी मसालों को एक साथ मिक्स कर लूँगी। बहुत ही अच्छा कलर और खुशबू आया है। इसके बाद सारा परवल को एक एक करके छोड़ दूँगी। इसको फ्राई करना है 15 मिनट के लिए, जब तक ना परवल का ऊपर का हिस्सा पक जाए तब तक। अब लास्ट में थोड़ा सा चीनी इसमें ऐड कर दूँगी। चीनी आपको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको मीठा ना पसंद हो, पर यहाँ पर बंगाली ट्रेडिशनल खाना है तो इसमें चीनी यूज़ कर सकते हैं आप। मेरा जो पोटोले दोलमा है वो बन के रेडी हो चुका है। आप इसको रोटी के साथ या फिर भात चावल के साथ, मीन्स भात के साथ खा सकते हैं।